केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल वित्त वर्ष 2022 से 23 का बजट पेश किया है, जहां पर इंडिविजुअली हम रेलवे बजट के बारे में बात करें तो भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगले 3 सालों में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन सेट डेवलप की जाएगी, जहां आज भारत में 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जिसमें पहली दिल्ली से वाराणसी चलती है और दूसरी दिल्ली से कटरा तक चलाई जाती है। तो दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जहां पर एक ट्रेन की कॉस्ट 100 करोड़ के आसपास थी, वहीं बनाई गई ये ट्रेन यूरोपियन ट्रेन के कंपैरिजन में 40% सस्ती थी और जाहिर सी बात है इनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होगा तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जहां पर हम प्रीवियस डेटा के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 75 भारत वंदे ट्रेन सेट्स ऑपरेट की जाएंगी, जिनको 75 शहरों के बीच में कनेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को थोड़ा अपग्रेड किया गया और इसकी क्वांटिटी 100 कर दी गई, जिसमें लगभग 9 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फाइनली इस बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। बनने वाली नई वंदे भारत ट्रेन सेट ICF, MCF और RCF में अलग अलग जगह पर तैयार की जाएंगी और इसी के साथ में बजट पेश होने से पहले ट्रेन 18 को बनाने वाले सुधांशु मानी जी का ओपिनियन था कि रेलवे पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है उनकी स्पीड को लेकर, उनकी ट्रैक फैसिलिटी को लेकर। सो फाइनली इस बजट में काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। इसी के साथ में सुधांशु मानी जी की देखरेख में ट्रेन 18 को तैयार किया गया था, जिसको सिर्फ 18 महीनों के अंदर तैयार किया गया था। तो सुधांशु मानी जी और उनकी पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि भारत को ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेन मिल पाई। वहीं इस बजट में ये भी कहा गया है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी डेवलप किए जाएंगे, जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था को काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएगी। वहीं रेलवे द्वारा भी सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। लगभग 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसके अंतर्गत बनाया जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल स्वदेशी और इंटरनेशनल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। यहाँ पर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ में ऑन टाइम एक्शन जैसी बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ शहरों में अभी तक मेट्रो नहीं पहुँची, जहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर भी मेट्रो सुविधा लाई जाएगी। तो दोस्तों, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से द एमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।